मेरा नाम है गणेश माझी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। ये दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे लेकिन प्रॉपर नहीं जानते होंगे, प्रॉपर वीडियो अपलोड YouTube में कैसे करते हैं। स्क्रीन में जाके आप लोगों को प्रॉपरली दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एप्लीकेशन आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। उसका नाम है YT स्टूडियो। वो इसी अपलोडिंग के द्वारा आप लोगों को सहायता इस प्रकार देगा दोस्तों कि आपके वीडियो जब डालोगे यूट्यूब के ऐप से, मैं आजकल यूट्यूब के ऐप से ही वीडियो अपलोड करता हूं, तो यूट्यूब के ऐप में आप लोगों को टैग लगाने का जगह नहीं होता। आप लोग वीडियो का टाइटल लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, उसके बाद टैग लगाने के लिए आपको यूट्यूब के दूसरा एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, उसका नाम है YT स्टूडियो। जी दोस्तों, मैं इसी प्रकार से अपना वीडियो को अपलोड करता हूँ और मैं अच्छा खासा जाना पहचाना यूट्यूबर का वीडियो देख के थोड़ा सीख लेता हूं दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग भी सीखा कीजिए और इसी प्रकार से आप लोग भी वीडियो अपलोड किया कीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप उनका नाम लेना चाहूँगा जो मेरा बहुत ही चहिता, बहुत ही मैं उनका वीडियो पसंद करता हूँ। उनका नाम है दोस्तों मनोज दे। वो भी बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, मुझे बहुत पसंद है उनका उनका चैनल में आना और उनका हर वीडियो में हो सकता है तो हर वीडियो ही देखता हूँ। तो उनको देख के ही मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और उसी उन्हीं का सीखा हुआ ये जो कुछ आप लोग मेरे वीडियो चैनल में देख रहे हो, उन्हीं का ज़्यादातर उन्हीं से मैं सीख लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपने चैनल में भी उसी उन्हीं के प्रकार से वीडियो अपलोड करके दिखाएंगे आप लोगों को, वो भी स्क्रीन में जाके। तो यार, चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं इसी प्रकार से यूट्यूब से टिप्स देता हूँ मेरे चैनल पर। तो अपने यारों दोस्तों को वो भी मेरे वीडियो शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और कुछ भी कंफ्यूजन लगे, आपको नहीं पता लग रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा दोस्तों आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और वहाँ पे टोटल दिखाएंगे आप लोगों को किस प्रकार से होता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर। हम लोग सीधा चलेंगे यूट्यूब के आइकन पर। जैसे यूट्यूब का आइकन आप लोगों को खुलते हुए दिख रहा होगा, ये खुल गया दोस्तों यूट्यूब का आइकन। उसके बाद जो दोस्तों हमें जाना है ऊपर जो आपको दिख रहा है ये कैमरे का आइकन पे, कैमरे का आइकन पे हमने टच कर लिया और अपना कोई सा भी इसमें हमें वीडियो जैसे सेलेक्ट करना है। जैसे मैं ये वीडियो आपको दिखाने के लिए सेलेक्ट कर लिया, तो इस प्रकार से इसमें सेलेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप अपना कुछ भी जो वीडियो को रिलेटेड है कुछ भी टॉपिक डाल सकते हैं कि जैसे यूट्यूब में कुछ भी अपना टाइटल डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए इसमें। उसके बाद दोस्तों ये इसमें तीन आपको ऑप्शन मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वीडियो का टाइटल, वीडियो का डिस्क्रिप्शन। उसके बाद ये जो आपके सामने दिख रहा है पब्लिक, अनलिस्टेड एंड प्राइवेट, ये मिलता है दोस्तों आपको। उसके बाद ये आप लोगों को डालने के बाद इसमें यूट्यूब वीडियो इसमें डन कर दीजिएगा तो ये डाउनलोड होने लग जाएगा, अपलोड होने लग जाएगा सॉरी। उसके बाद हमें जाना है ये YT स्टूडियो में, जो ये एप्लीकेशन है इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है दोस्तों, YT स्टूडियो खुल गया। जैसे कि आज ही मैंने एक वीडियो बनाया था, इसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये WhatsApp ग्रुप किस प्रकार बनाए, तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ये होता है। इसमें हमने क्लिक किया और आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, आप लोग यहाँ पर इसका नीचे टाइटल लिख दिया दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कैसे निकलें। तो इसका मैंने टाइटल लिख रखा, टाइटल ऊपर लिख दिया दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन। उसके बाद दोस्तों इसमें यहाँ पे नीचे पब्लिक कर दिया, उस नीचे दोस्तों आप लोगों को देख रहा होगा ये टैग लगाने का जगह। जी हाँ, ये यहाँ पे ये टैग लगाने का जगह होता है। इस प्रकार से आप लोग टैग लगा के वीडियो को सेव कर दीजिए, ये पब्लिश हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से होता है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।